हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे Z5 ओरिजिनल की वेब सीरीज जीत की जिद को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जीत की जिद ये वेब सीरीज आज ही Z5 ओरिजिनल पे रिलीज हुई है। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड हैं और हर एपिसोड 30 से 40 मिनट के बीच का है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी है मेजर दीप सिंह की, जिसकी जिंदगी में सब कुछ तब बदल जाता है जब कारगिल वॉर में उन्हें काफी सारी गोलियां लग जाती हैं, जिसके कारण उन्हें पैरालाइज हो जाता है। और उसके बाद उन्हें अपनी लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और इस मुश्किल की घड़ी में किस तरह से उनकी बीवी उनका साथ देती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस सीरीज का स्क्रीन प्ले मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से इस सीरीज में हमारे सामने मेजर दीप सिंह की मेंटल सिचुएशन को सामने रखा गया है, उसके कारण हम उनके कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और जिस तरह से वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं और परेशान होते हैं, उस परेशानी को हम पूरी तरह से फील कर पाते हैं। और फिर बाद में जिस तरह से वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, वो देखने में भी हमें इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊं। और उसके ऊपर से जिस तरह का दीप सिंह और उनकी बीवी का रिलेशनशिप है, और ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ही होता है जिसके कारण हम ये फील करते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सीरीज में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि इस सीरीज में आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ दिल लगाने की जरूरत है, तभी आप इस सीरीज के इमोशंस को फील कर पाओगे। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली अमित साद और जिन्होंने उनकी बीवी के कैरेक्टर को प्ले कराया, सच में मजा आ गया। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन में काफी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और एडिटिंग भी इस सीरीज की काफी अच्छी है। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये काफी ज्यादा अच्छी वेब सीरीज है, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आप अंदर से मोटिवेट भी होंगे। तो मेरी तरफ से तो ये सीरीज पूरी तरह से रिकमेंडेड है और मैं चाहूंगा कि आप ये सीरीज जरूर देखें। और अगर आपने ये सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।